ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए होटल शुभम से एक खबर सामने आई है कि होटल शुभम के तीसरी मंजिल से एक लड़की गिरी है। गिरने की वजह से काफी ज्यादा चोटें आई हैं लड़की को, लेकिन आखिर ये क्या मामला है कि चार दिनों से लड़की होटल में ठहरी हुई थी, वो कौन है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है? चंदन, देखिए बिल्कुल, ये हरमू के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और जो जानकारी मिल रही है बस इतनी भर जानकारी अभी निकलकर सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से, तीन चार दिनों से लड़की रुकी हुई थी और तीसरी मंजिल से गिरने की बात सामने आई है। घटना के बाद से लड़की की स्थिति गंभीर है और वो अस्पताल में है, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हाँ, इतनी बात जरूर निकलकर सामने आई है कि बंगाल की रहने वाली है और पिछले चार दिनों से अड़गोड़ा थाना क्षेत्र के इस होटल में रह रही थी। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये घटना घटी तो क्या, इसके पीछे की वजह क्या है, ये खुद गिरी है या गिराया गया है, किन स्थिति में संदेहास्पद हालात पैदा हुए और लड़की छत से नीचे गिरी हुई दिखाई दी, तो सभी पहलुओं पे पुलिस पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी इसलिए निकलकर सामने नहीं आ पा रही क्योंकि लड़की की स्थिति बेहद गंभीर है और पुलिस इंतजार कर रही है कि स्थिति में थोड़ी जैसे सुधार हो ताकि जो सारी चीजें हैं, सारी जानकारी है, वो निकलकर सामने आ सके। चंदन, इस मामले में होटल वालों का क्या कहना है? होटल मालिक से भी पूछताछ हुई होगी? देखिए बिल्कुल, होटल मालिक भी बहुत ज़्यादा बता पाने की स्थिति में नहीं है। वो वहाँ रुकी थी, पिछले चार दिनों से रह रही थी, लेकिन किन वजहों से ये हालात पैदा हुए, किन कारणों से लड़की छत से नीचे गिरी और गिरने के बाद जो संदेहास्पद हालात पैदा हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज की जो पड़ताल की गई है उसे बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है और जो होटल के संचालक हैं वो भी बहुत कुछ स्पष्ट बता पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पुलिस अभी और मामले की पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी इस मामले में सारी जानकारी पुलिस को हासिल हो जाएगी और फिर पुलिस बहुत कुछ बता पाने की स्थिति में होगी। लेकिन चंदन, अब तक उस लड़की से कितने लोगों ने मुलाकात की है, कौन कौन होटल में आया है, इसकी रिकॉर्ड तो होटल मालिक के पास जरूर होगी? नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं हुई, वो लड़की चार दिनों से रुकी हुई थी उस होटल में, होटल में बहुत ज़्यादा किसी लोगों से मुलाकात की बात अभी तक सामने नहीं आई है, इसीलिए मामला थोड़ा उलझा हुआ है और पुलिस भी तुरंत इस मामले में, जब तक पुलिस पूरे तह तक नहीं पहुँचती है तब तक कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस इस मामले के तह तक पहुँचना चाहती है, सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही इस मामले में जो कुछ भी बयान है वो जारी करने की बात पुलिस की तरफ से कहा गया है। ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।